गाइस ये फोटो है, देखो ये फोटो है भाई, ये वो लड़का है। ये लड़का कहीं भी दिखे ना आपको तो प्लीज बताना जरूर। ये वो लड़का है जो भाई मतलब कि पागल बना रहा है लड़कियों को, मतलब मुंबई से दिल्ली बुला रहा है और धोखा दे रहा है। तो अभी आपके घर वालों को पता लगेगा तो आप घर पे जाओगे? मैं घर पे भी जा सकती। क्या घर पे जाएगी भाई? ये घर से पीढ़ी में समझ तो पीढ़ी ये घर से पैसे मंगा रही होगी, खर्चा कर रही होगी और यहाँ पे है ये। घर वालों को लग रहा है लोंडिया तो हमारी पढ़ाई कर रही है, पर ये लोंडिया भाई ये दूसरे प्यार के चक्कर में पड़ चुकी है। अच्छा जी, मतलब उसने आपसे प्यार किया और उसकी शादी भी हो गई थी? मुझे तो बोला था कि मेरी शादी नहीं हो रही है। अबे भाई, अच्छा जी। और फिर जब मैंने उसका एक दिन पीछे किया तो जाके मेरे को पता चला, वहाँ पे दिखाई दिया एक घर है, वहाँ पे अपने घर के अंदर गया, उसकी वाइफ भी और तीन बच्चे। ओ तेरी, ये उतार दे बड़े भाई, ये उतार दे। पहले ये बता तू है कहाँ से? कहाँ से भाई ये बता। तू लड़की को धोखे में क्यों रख रहा है? धोखे में क्या रख रहा हूँ? हैं बहन, कितनी कितने बच्चे हैं इसके? तीन बच्चे भैया, तीन बच्चे हैं, तीन बच्चे तेरी हो गया है। तीन बच्चे अगर कितने कितने बड़े हैं पता है आपको? कितने कितने बड़े हैं? तीन तीन चार चार साल के है। बता, अगर तीन तीन चार चार साल के बच्चे हैं तो इसकी शादी को ज्यादा नहीं कर रहा, 10 साल आराम से हो गए होंगे। दस साल इसकी शादी को आराम से हो गए। लग रहा बंदा 30-32 साल का तो है यार। और तू इस लड़की के साथ क्या कर रहा भाई? ज्यादा ही होगा। मुझे कह रहा भैया मेरी शादी नहीं हुई, मैं तो बिल्कुल। ये लड़की मुंबई से तेरे पास आ गई यहाँ पर रहने के लिए। बात करो तरीके से, तरीके से नहीं, तने इसकी जिंदगी खराब कर। मैंने क्या जिंदगी खराब कर? मैं बताऊँ, मैं बात कर रहा हूँ। मैंने क्या जिंदगी खराब कर? चुप होगा, बात कर शांत, बिल्कुल इसको यहाँ। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, ये क्या कर रहा हो भाई? बात तो सुनो, रुक रुक, छोड़ यार मेरी बात तो। पुलिस को बुला दूंगा, सारा सौदा यहीं छोड़ दे। जिंदगी बाइक बेचूंगा अभी, लड़की की जिंदगी साथ खिलवाड़ कर रहा तू। इसकी बाइक बेचूंगा अभी मैं, और जो भी पैसे आएंगे ना भाई इस लोंडा का दूंगा, और तू घर जाएगी और इसको तो साले को मार मार जितना मार सकती है मार। और क्या रह गया बाकी बताओ? मार, शर्म कर। ये देख लो भाई आप लोग, ये जो लड़की जा रही है ना, ये ना बहुत देर से रो रही है, आधे घंटे से गाइस रो रही है। और पहले यहाँ बैठी थी, फिर हम जैसे आए ना उठ के चल पड़ी है। तो अभी हम देख रहे हैं क्यों रो रही है, पर इनसे पूछेंगे ना भाई, बहन से क्या बात है यार, क्या लड़ाई कर रही है फोन पे, पता नहीं क्या दिक्कत है। कट गया फोन, कट गया। हाँ जी बहन, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? क्यों रो रहे हो बहन, क्या हो गया आपको? इधर आओ बहन, देखो हम तुम्हारे डरो मत, डरो मत, डरो मत भाई, भाई जैसे हैं, ठीक है। हाँ। आप मुझे ये बताओ भाई, भाई आप हाँ। मुझे ये बताओ, आप वहाँ से उठकर आए हो तो आप यहाँ रो क्यों रहे हो, ये बता दो एक बार मुझे। क्यों रो रहे हो ये बताओ, वो क्यों रहे, ये बताओ। आप बहुत देर से वहाँ से रो रहे हो और मैं यही चीज देख रहा हूँ आपको। अभी हम आ गए तो आप उठ के आ गए, कुछ तकलीफ है आपको, कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ भाई, जैसे हम आपके बताओ। ओके, एक्चुअली मैंने किसी से मतलब प्यार किया था, वो भाग के आई थी मैं बॉम्बे से। कहाँ के हो आप? कहाँ के हो? बॉम्बे। बॉम्बे भाई, मुंबई के हो आप? हाँ। यहाँ दिल्ली में क्या कर रहे हो फिर? एक्चुअली मैं एक बार ना फोन पे बात करी थी, तो वो रॉन्ग नंबर था, अननोन नंबर से बात हुई, तो फिर वो कोई लड़का बोला, फिर मतलब समझ में नहीं आ रहा। मैडम आप क्या कह रहे हो? ये कह रही है भाई कि मैंने किसी को कॉल किया था अनोन नंबर पे। अच्छा, उस लड़के से बात कर रही थी, मतलब फिर अच्छा, क्या हुआ? आपका मतलब आपने किसी से फोन किया या अनोन नंबर वैसे फोन आया आपके पास? नहीं, फोन में एक्चुअली मैं कहीं और फोन कर रही थी। अच्छा, तो वो कोई रॉन्ग नंबर मिल गया। अच्छा, फिर वो कोई वो डेली कॉल करने लगा, फिर मतलब बात होने लगी हमारे बीच, फिर एक साल तक ऐसे। अच्छा, कोई लड़का था जिससे आपकी बातें स्टार्ट हुई है? हाँ। कितने दिन की पहले की बात है ये? एक साल पहले, एक साल पहले की बात है। तो आपको फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, बस डेली बातें होने लगी, फिर एक साल तक मतलब बातें होती रही, बातें होती रही। अच्छा, एक साल चैटिंग चलती रही आपकी? हाँ। अच्छा, मतलब ट्रस्ट हो गया आपको? ट्रस्ट हो गया उसके ऊपर, उसके चक्कर में आप यहाँ भागे हैं मतलब दिल्ली? फिर उसने बोला हम ना भाग के शादी कर लेते हैं, और मैं ना दिल्ली से हूँ। मैंने बोला ठीक है, तो बोले कि आपके पास ना जो भी सामान है ना सारा ले आओ आप। मतलब क्या सामान? मतलब गहने वहने जो भी आपके घर में है। तो आप कुछ लेके आए थे? हाँ, मैं गहने वहने अपने मम्मी पापा जी का गहना वहना सारा लेके आई थी। अच्छा, तो आपको दिल्ली में कितने दिन हो गए यहाँ पे? फिर यहाँ पे तो मेरे को कम से कम 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने से आप दिल्ली में रह रहे हो, और फिर दिक्कत क्या होगी आपको, ये बताओ आप मुझे एक बार। एक्चुअली वो लड़का जब लेके आया तो यहाँ पे आ गए, तो फिर यही पास में एक उसने रूम दिला दिया, फिर बोला
कि एक्चुअली मेरी फैमिली वाले ना आपको अभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो अभी ना आप यहाँ पे रहो, हम दोनों यहीं पे रहेंगे। मैंने बोला ठीक है ओके। अच्छा तो अभी फोन पे बात आपकी उसी से हो रही थी? आप लड़ रहे थे, तो क्या हुआ? क्योंकि वो पहले तो रोज रोज आता था, वो एक दिन भी नहीं आता वहाँ पे। अच्छा, अच्छा अब वो एक दिन भी नहीं आता आपके पास? रूम पे आता था पहले, कुछ खाने पीने का सामान भी नहीं रख के जाता। आप जो लेके आए थे घर से वो आपके पास है या नहीं? आता वो सारा खर्च हो गया। सारा खर्च हो गया उसने, जो पैसे वैसे थे, जो चैन वैन जो भी कह रहे हो, गहने जो भी आपके, सारे उसने उड़ा दिए। कह रहे कि कोई बात नहीं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो जब मेरी फैमिली वाले मान जाएंगे फिर हम शादी कर लेंगे। तो अब प्रॉब्लम क्या होगी? कहाँ जा रहे हो आप? अब कहाँ जा रहे हो यहाँ पे रोते हुए? मतलब ये प्रॉब्लम क्या होगी ये बताओ। अब प्रॉब्लम ये होगी, जैसे मैं वहाँ पे रहती हूँ ना, हाँ। पहले तो आता था, डेली आता था, शाम को आता था, फिर वापस चला जाता था। अच्छा। बोलता था कि मैं जॉब वॉब करता हूँ, रात को भी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर ऐसे ही जहाँ पे मैं उसने रूम दिलाया था ना, वहाँ पे रहते थे, तो फिर मैंने मतलब उसके जानकार के बंदे रहते थे वहाँ पे, किसी से मैंने सुना कि ऐसी ऐसी बात है, फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आया। तो फिर वो ऐसी ऐसी बात मतलब, मतलब मेरे को कुछ ऐसे सुना, समझ में आया कि सुनने में किसकी शादी वादी हो रखी है पहले से। अच्छा जी, मतलब उसने आपसे प्यार किया और उसकी शादी भी हो गई थी? मुझे तो बोला था कि मेरी शादी नहीं हो रही है। अबे भाई, अच्छा जी। और फिर जब मैंने उसका एक दिन पीछे किया, हाँ, तो जाके मेरे को पता चला वहाँ पे दिखाई दिया एक घर है, वहाँ पे अपने घर के अंदर गया, उसकी वाइफ भी और तीन बच्चे। ओ तेरी, तो गलती मुझे कह रहा है मेरा ना एक भी बच्चा नहीं है ये और वो। आप एक साल से उसकी बातों में पागल होके आप मुंबई से यहाँ आ गए, तो मैडम आपने ऐसा विश्वास कैसे कर लिया उस पे? ऐसे कैसे कर लिया वो, आप वो आपके लिए दिल्ली छोड़ के मुंबई आया कभी? नहीं, नहीं आया ना। और आप उसके लिए यहाँ गए और आपको 2 महीने हो गए यहाँ पे आके, घर वालों को पता है आपके आप यहाँ पे हो? घर वालों को भी नहीं पता। नहीं पता? फोन वान कुछ आता है घर वालों का? नहीं कुछ नहीं आता। मतलब वो फोन कर रहे होंगे, वो आपको ढूंढने की कोशिश? घर वालों को तो बस ये पता है कि मैं पीडी में पढ़ाई करती हूँ, स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, और उनको पता भी नहीं। तो घर वालों का फोन नहीं आता? भाई कितना बड़ा धोखा दे रही है लड़की। भाई ये फोन किसका है? ये उसने ही दिया फोन। अच्छा, ये फोन उसी ने दिया? ये फोन उसी ने दिया। दिखाना मुझे वो, उसमें फोटो वगैरह है? उसकी फोटो है, फोटो दिखाना एक बार मैम। ये देखो। अच्छा, दिखाना भाई फोटो, दिखाना फोटो दिखाओ। ये लड़का है भाई, फोकस कर तू अपने पे। गाइस ये फोटो है, ये फोटो है भाई, ये वो लड़का है। ये लड़का कहीं भी दिखे ना आपको तो प्लीज बताना जरूर। ये वो लड़का है जो भाई मतलब कि पागल बना रहा है लड़कियों को, मतलब मुंबई से दिल्ली बुला रहा है और धोखा दे रहा है। तो अभी आपके घर वालों को पता लगेगा तो आप घर पे जाओगे? मैं घर पे भी नहीं जा सकती। क्या घर पे जाएगी भाई? ये घर से पीढ़ी में समझ तो पीढ़ी ये घर से पैसे मंगा रही होगी, खर्चा कर रही होगी और यहाँ पे है ये, और घर वालों को लग रहा है लोंडिया तो हमारी पढ़ाई कर रही है, पर ये लोंडिया भाई दूसरे प्यार के चक्कर में पड़ चुकी है। लेकिन एक बार आप उसको बुला दोगे मैम? साले को मारो, एक बार बुलाओ, देखो आप आ जाएगा। मतलब फोन से आ जाता है वो? हाँ, मिलने आ जाएगा, रुकेगा नहीं। अभी लड़ाई क्या हो रही थी, किस बात पे हो रही थी? इसी बात पे हो रही थी कि तुम घर क्यों नहीं आते यहाँ पे और शादी कब करोगे? बुलाओ एक बार बुलाओ। अच्छा, तो कह रहा करूंगा करूंगा करूंगा, अब मेरे को उसकी सारी सच्चाई पता चल गई है। नंबर निकालो, नंबर निकालो, मैं कॉल करता हूं। उसका नंबर निकालो, हम बात करते भाई, पकड़ना मैं बात करूं जरा। उसका नंबर निकाल। तो भाई गाइस आप ये देख सकते हो उस बहन को, ये बहुत देर से रोती रोती आ रही थी, तो हमने इसे पूछा, एक लड़के के चक्कर में आके इस बहन ने अपनी जिंदगी खराब कर दी। नेहा, नेहा कंटी जा रही है, बात कर बात कर। हेलो भैया, वो नेहा नेहा करके लड़की है ना, इसको चक्कर आ गया भैया, यहाँ पे बेहोश पड़ी है ये, तो उन्होंने नंबर निकाला। जरा आ जाओ यार। अरे ओ भाई सुन ध्यान से, आ जा भाई आ जा, तेरा नाम ले रही है जो भी हो इसका, एक बार आ जा भाई प्लीज यार, मैं ज़्यादा खड़ा हूँ भाई, मेरे को कहीं निकलना है यार, प्लीज़ भाई मेरे लिए आ जा, मेरा भाई नहीं है, आ जा यार, आधे घंटे कह रहा। ठीक है भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक, आधे घंटे तक आप ऐसा करो, यहाँ पे बैठ जाओ, आ जाओ हमारे साथ बैठो, फिर आएगा ना, मैं वीडियो बनाने लगूंगा भाई, तुम पेलना साले की। हाँ, मैं अपने आप देखूंगा उसको, उसको क्या दिक्कत है क्या नहीं है। ठीक है बहन, ठीक है, आप अंदर चलो, ले इसको लेके चलते हूं, मैं बाइक ले जा रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 बहन। यही है क्या? यही है, यही है ये। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई भाई भाई, पकड़ लो पकड़ लो, भाग जाओ पकड़ लो, आने दो आने दो, पकड़ लो पकड़ लो भाई, जाओ ना भाई,
आ गया भैया, बस आपने हाँ। बोला था ना कि बेहोश है वरना नहीं आता, ये नहीं आता। क्या बात हो गई, क्या हो गया आपको नहीं पता क्या हो गया? कहाँ से है तू? तुम तो सही खड़ी हो, तुम तो खड़ी था, उल्टी हो रही है, तबियत खराब हो रहा है, तभी तो तुम आ गए, वरना तो नहीं आते ना तुम। और ये सब ये उधर खड़ा हो भाई, उधर खड़ा करो भाई, उधर खड़ा हो भाई, उधर खड़ा हो भाई, मैं तो खड़ा हो जाऊंगा, बाकी तुम कौन हो भाई? उधर खड़ा हो, उधर खड़ा हो भाई। हां बताओ कहां से तू, कहां से भाई? भाई एक बात तो बताओ, मैं कहीं से भी हूँ, तुम तो बताओ तुम कौन हो? मतलब अभी है? बताएंगे अभी नहीं, बताएंगे नहीं, तो क्या मतलब है ऐसे, कौन है ये, कौन है ये बता मेरे को, ये उतार दे, ये उतार दे बड़े भाई, ये उतार दे पहले, ये बता तू है कहाँ से, कहाँ से भाई ये बता, तू लड़की को धोखे में क्यों रख रहा है? धोखे में क्या रख रहा हूँ है बहन? कितनी कितने बच्चे हैं इसके? तीन बच्चे भैया, तीन बच्चे हैं, तीन बच्चे तेरी हो गया है, तीन बच्चे अगर कितने कितने बड़े हैं पता है आपको? कितने कितने बड़े हैं? तीन तीन चार चार साल के है। बता अगर तीन तीन चार चार साल के बच्चे हैं तो इसकी शादी को ज्यादा नहीं कह रहा, 10 साल आराम से हो गए होंगे। हाँ 10 साल इसकी शादी को आराम से हो गए, लग रहा बंदा 30-32 साल का तो है यार। और तू इस लड़की के साथ क्या कर रहा भाई? ज्यादा ही होगा, मुझे कह रहा भैया मेरी शादी नहीं हुई, मैं तो बिल्कुल। ये लड़की मुंबई से तेरे पास आ गई यहाँ पर रहने के लिए और तू इसको धोखे में रख रहा है? असल में क्या है भाई, देखो बस देखियो भाई, एक बार इस भाई को इसकी वीडियो बना रहा हूँ भाई, तेरे को पता लगा कम से कम तू कर क्या रहा है भाई, मतलब क्या है ये सब, क्या करवा रखा है क्या है अब तेरी ना गाइस, अब इसकी बीवी देखेगी। हाँ अब इसकी बीवी देखेगी भाई, मतलब क्या चाह क्या रो, ये तो चाह ये रहे हैं कि तूने लड़की को बॉम्बे से बुलाया, जो भी कितने पैसे खा लिए तूने इससे, कितने पैसे लग गए बहन तेरे अभी तक? मैंने तो सिर्फ देखो, रुक जा चुप रहे, तू चुप नंबर से, तू चुप रहेगा, चुप रहे, चुप रहे, बिल्कुल इतने अपने मम्मी पापा के सारे तो वो किसने खा लिए? अच्छा धीरे धीरे करके इन्हें खाए नहीं होंगे, इसने अपनी बहू को दे दिए होंगे भाई। अच्छा मैंने बता, क्या खर्चा तो हमारे मार भाई, तुम हो कौन ये तो बताओ, मैं क्या कह रहा हूँ, बात सुन, बात करो तरीके से, तरीके से नहीं, तने इसकी जिंदगी खराब कर, मैंने क्या जिंदगी खराब कर, मैं बताऊँ मैं बात कर रहा हूँ, मैंने क्या जिंदगी खराब कर, चुप होगा बात, बिल्कुल इसको यहाँ क्यों बुलाया ये बता, ये बता अगर ये लड़की देख, कितने कितने महीने हो गए तेरे को इसको यहाँ पे बुलाए को? भाई 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 2 महीने से ये लड़की क्यों यहाँ पे तेरे साथ? देखो मेरी बात सुनो। हाँ बता। ऐसा हुआ, बता। एक दिन अचानक इनकी कॉल मेरे पे फोन पे आई थी, मतलब नंबर से कॉल आई, ठीक है ना, तो हमारी बात बात होने लगी, ठीक है ना, हमारी चैट होने लगी, इंस्टाग्राम पे भी हमारी बात होती थी। तो एक दिन ऐसी अचानक मैंने ऐसी मजाक में इनसे बोल दिया कि एक काम करो, चलो तुम यहाँ आ जाओ, हम दोनों साथ में रहेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है मेरे कहने से अचानक ये यहाँ आ गई, मुझे क्या मालूम था यार ये मेरे कहने से यहाँ आ जाएंगी, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ इनको पास में एक फ्लैट भी लेके दे रखा है। अच्छा ठीक है ना भाई, फ्लैट दे रखा है, अरे खाने को तू नहीं देता, पीने को तूने, सारे पैसे खत्म हो गए, चार चार दिन इसको ये नहीं बताया कि मैं मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे हैं, बताया था मैंने इसने भाई, बात की बात कर रहे हैं ना, जिस फ्लैट की बात कर, जाके देखो छोटा सा रूम है बस वो, नहीं ये बताओ अपार्टमेंट में ना वो शादी की बताई थी इसने? भाई देखो बात सुनो मेरी, ऐसा है मैंने बहन शादी की बताई थी इसने तेरे को? आज ने बोला था ठीक है तू भाई लास्ट ये बता दे शादी करेंगे, मैं सुन नहीं, मैंने इनसे तेरे को ये पता था कि इसकी शादी हो चुकी है? इन्हें नहीं मालूम था, इसने बताया भाई, इसने बोला ये लड़की, ये लड़की तेरे लिए मुंबई से दिल्ली आ गई और तूने इसको ये तक नहीं बताया मैं 3 बच्चों का बाप हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और तू इसको धोखे में रख रहा, तेरा दिमाग पैडल है क्या? मैंने सिर्फ इस वजह से नहीं बताया था क्योंकि उस टाइम मेरी वाइफ से थोड़ी मेरी अनबन चल रही थी इसकी। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, ये क्या कर रहा हो भाई, बात तो सुनो, रुक रुक छोड़ यार मेरी बात तो, क्या मतलब क्या, छोड़ ना, पुलिस को बुला दूंगा, सारा सौदा यहीं छोड़ दे, एक जिंदगी की बाइक बेचूंगा अभी, एक लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा तू, इसकी बाइक बेचूंगा अभी मैं और जो भी पैसे आएंगे ना भाई इस लोंडा का दूंगा और तू घर जाएगी और इसको तो साले को मैं बताऊंगा भाई, गलती हो गई तेरी बहू को पता है भाई, तेरी वाइफ को पता है तू ये काम कर रहा है, मार मार जितना मार सकती है मार, और क्या रह गया बाकी बताओ, मार शर्म कर शर्म कर, ये क्या शर्म है भाई? अच्छा ये बता तेरी वाइफ को पता है? नहीं भाई है नहीं, उसको नहीं, पता नहीं, लगेगा वीडियो पता वो भी चाहिए, वो भी अपने घर जाएगी, नहीं भाई देखना प्लीज ऐसा मत करना भाई, वो भी जाएगी, मेरे हाथ जोड़ लो मेरे छोटे छोटे बच्चे, अच्छा तेरे छोटे छोटे बच्चे ये कहाँ जाएगी भाई, मेरे तू कहाँ जाएगी बहन, तू कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी तेरे तो चल बच्चे, तू तो सेट है, तू कहाँ जाएगी, किसके सारे सेट होगी, कहाँ जाऊंगी, मर सकती हूँ और कहाँ जाऊंगी, मरने की नहीं, मरने की बात करे भाई, तेरे भाई शर्म है तेरे, कहाँ रहता दिल्ली में तू? भाई दिल्ली में यही रहता हूँ, कहाँ कहाँ, मैरोली में रहता हूँ, मैरोली में रहता हूँ, ये काम सीखना है, आइयो बहन एक बार पुलिस को बुलाता हूँ मैं यहाँ पे, भाई भाई प्लीज देखना पुलिस को बुलाऊंगा, करो भाई देखना पुलिस को बुलाऊंगा, या तो सुन इसकी जिंदगी खराब मत कर, अब तेरे मैं क्या बताऊँ, अब तूने शादी पहले कर रखी है,
बता क्या कर सकता भाई, इसका बहन देख, इसको तो बुला दे, मैं तो साफ कहता हूँ, और तू अपने घर जा। और इसकी बाइक ऑयल आरसी कहाँ है, आरसी कहाँ है, है? आरसी कहाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, पुलिस को बुला, भाई हवाला करके ये लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहा है, ठीक है? इसने एक लड़की की जिंदगी खराब करी है, इसकी बाइक बेच भाई। मेरी बात तो सुनो भाई, मेरी बात सुनो, कितने पैसे लाई थी? मैं तो खराब नहीं होने दूंगा भाई। कितने पैसे लाई थी तू? 2,00,000 रुपए लेके आई थी और सारा गहना लेके आई थी। कहाँ है भाई, यही ले रहा है? मैं कहाँ ले रहा हूँ, इसने लेते बोल लेते, हमने धीरे धीरे खर्चे निकालेंगे इसमें से। अच्छा, कहाँ भाई? लड़की भाई, वो तो साथ में ही खर्चा हो गया ना, वो सब 2 महीने में इतने पैसे खर्च हो जाते हैं कहीं तो? यहाँ का दिल्ली का खर्चा तुम्हें मालूम नहीं है कितना हो रहा है? अच्छा, तेरे बड़े शहर में रह रही है मुंबई में, तू क्या कमाता है फिर? मैं क्या कमाता हूँ? मैंने एक बात बताऊँ, मतलब घर में, मतलब फ्लैट में मैंने राशन वगैरह नहीं भरा था क्या? मेरे पैसों का 2,00,000 रुपयों में से तो भाई सुन, पहले मेरी सुन, एक मिनट चुप रही हो। 2,00,000 रुपए लेके, ज्वेलर लेके राशन भर दिया, एहसान कर दिया तूने भाई। फ्लैट लिया, फ्लैट का भाई तुम्हें मालूम है आजकल रेंट पे यूं ही तो मिलते नहीं है। तो भाई मैंने मान ली, पंद्रह ज्यादा, ये वीडियो को ना शेयर मारो, इसके तेरे पापा का नंबर दे और उसको यहीं बुला। मैं क्या करूं, प्लीज देखना ऐसा मत करो भाई। पुलिस को बुला रहा हूँ, अगर नंबर नहीं देगा तो पहले बता रहा हूँ बहन, जो कहेगी जैसा होगा वैसा होगा इसके साथ, नहीं ठीक है? क्योंकि उसने तेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करी है ना। सुनो, ये चाह रही है, बता रही है मेरे को, ये चाह रही है कि मेरे जो पैसे लगे हैं वो दिला दो और ये चली जाएगी दोबारा बॉम्बे। भाई मैं इसके पैसे दे दूंगा और थोड़े ज्यादा ही दे दूंगा भाई, बस देखना कब देगा भाई। मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का टाइम भाई, इसका मैं नंबर लेता हूँ और घर देखता हूँ पहले। तो सबसे पहले इसका घर देखा है तूने? मैंने एक बार देखा था बस। घर याद आ जाएगी गली? हाँ। है पक्का? हाँ। भाई अपना घर है, किराया का तेरा? भाई मेरा अपना घर है। ये डलेगी, वीडियो डालूंगा बेटा, लाइव देख रहे हैं लोग तेरे को, गाइस लाइव देख रहे हैं। ज्यादा ज्यादा शेयर वाला, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ लाऊं भाई, हाथ ना साले का मारूंगा मैं, हाथ मत जोड़ दल्ले भाई, तेरे ना कीड़े पड़ जाए शरीर में, बोल रहा हूँ पहले। क्या बोलूं यार इसको, लड़की को यार भाई शर्म आनी चाहिए तुम दोनों। गाइस दिमाग खराब हो गया मेरा, वीडियो यहीं एंड करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इसकी तो मैं फाड़ूंगा अभी।